देश में एक तरफ कोरोना महामारी का संकट तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान का संकट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 दिनों बाद शुक्रवार को दिल्ली से बाहर निकले। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सूबे में अम्फान तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम ने पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए की तत्कालिक मदद का भी ऐलान किया। साथ में वह राजा राम मोहन राय के बहाने एक बारीक राजनीतिक संदेश भी दे गए। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बशीरहाट में ममता बनर्जी की मौजूदगी में बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की तत्कालिक मदद के अलावा मृतकों के परिजनों व घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना और अम्फान तूफान के रूप में एक साथ दो अलग अलग लड़ाइयां लड़ रही ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए केंद्र के सहयोग का भरोसा दिया। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2,00,000 रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, पश्चिम बंगाल।